ओम बोलिए भगवान दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी पदयात्रियों का स्वागत है। आप सभी लोग जो अपनी आस्था विश्वास और श्रद्धा के फलस्वरूप सौ दो सौ किलोमीटर से लेके 800 आठ सौ किलोमीटर तक किलोमीटर तक की यात्राएं आप लोगों ने तय की हैं मेरे सामने लिस्ट रखी है कोई साढ़े चार सौ किलोमीटर चला है कोई साढ़े पाँच सौ कोई सात सौ कोई साढ़े तीन सौ कोई आठ सौ अद्भुत है आपकी श्रद्धा साहस आपका आपका दृढ़ विश्वास और यही आपको यहाँ तक ले के भी आया है अन्यथा इतना लंबा चल पाना सबके वश की बात नहीं है आप सभी जो इतना लंबा चल के आते हैं रास्ते में तमाम कष्ट उठाने पड़ते हैं बहुत लोग नंगे पैर चल के आते छाले पड़ जाते हैं पैरों में डट्ठे पड़ जाते हैं लोगों पैर में बांध बांध के पट्टी बैठे हुए हैं चढ़ा करके के जाते हैं पैर इतने कष्ट उसके बाद भी चेहरे पर इतनी हंसी मुस्कान और आनंद ये अद्भुत है कि शरीर में कष्ट और चेहरे पे मुस्कान लेकिन ये भी अद्भुत है यह आपके ही अनुभव हैं कि इतना लंबा आप चल के आते हो और दरबार पहुंचते हो तमाम कष्टों में लेकर के शरीर को और यहाँ पहुंचते ही शरीर के सारे कष्ट गायब हो जाते हैं सब कष्ट चले जाते किसी के कष्ट नहीं बचते आपके अपने कष्ट चले जाते हैं जो परिवार के लोग घर में अपने हैं वो वहाँ स्वस्थ हो जाते हैं आपके संकल्प से ये अद्भुत है यहाँ आप ठीक वहाँ परिवार ठीक केवल संकल्प से ऐसा अनुभव है आप लोगों का ऐसा अनुभव है आप लोग तो हाथ उठाइए किसका अनुभव है ये कि आप संकल्प करते हो परिवार ठीक होता है ये आप सबके अनुभव है ये परिवार यहाँ आया भी नहीं दरबार को देखा भी नहीं खुश रहो, हाथ नीचो ये बच्ची बैठी है सामने हम देख रहे हैं पिंक में कलर इसी की माँ पागल थी सौ परसेंट पागल थी अब ठीक है ठीक है वो भी चल के आई पद यात्रा करके अच्छा ये भी पद यात्रा करके आई है अच्छा ये देखो खड़ी ये देखो स्वस्थ हो गई ये सौ परसेंट पागल थी पहचानती नहीं थी किसी को अपनी बेटी को भी नहीं पहचानती थी अब दीक्षा भी पाई दीक्षा ले ली दरबार से जो अपने को नहीं पहचानती थी अपने बच्चों को नहीं पहचानती थी अपने बारे में नहीं जानती थी आए बाएं साए देखो स्वस्थ होकर खड़ी ये दरबार की महिमा है खुश रहो बैठ जाइए बैठ जाओ तो ये दरबार की कृपा है कि आप सब केवल दरबार से जुड़ते हो दरबार की वैदिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं या दरबार अपनी ओर से पुण्य देता है बिना हवन किए भी तो आप उसी से स्वस्थ होते हो तो एक बार सब लोग बाल चोटी खोल कर अपने आंखें बंद करें आप सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें दरबार से प्रार्थना कर लें पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को हमारे द्वारा किए जाने वाले किए जा रहे और किए गए सभी संकल्पों में शामिल करने की कृपा करें और हमारे द्वारा किए गए अपने लिए और परिवार के सदस्यों के लिए सभी संकल्प पूर्ण कराने की कृपा करें विनती है कि यदि कोई संकल्प छूट जाए या दरबार द्वारा कराए जाने वाले संकल्पों में से कोई संकल्प हम ना कर पाए तो कृपा करके वह सभी संकल्प हमारे संकल्प बना दिए जाएं और पूर्ण कर दिए जाएं और इन सब से संबंधित सभी नकारात्मक साध्य और असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट कराने की कृपा करें हम सभी आपकी शरण में हैं कृपा करके हमें अपनी शरण में रखते हुए हमें रोग मुक्त करने की कृपा करें ओम इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए सभी से सारी गंदगी उल्टी के रूप में बाहर निकाल दी जाए खांसी डकार जमुआई हिचकी आंसुओं के रूप में सब गंदगी बाहर निकाली जाए एक साथ एक साथ सबको सोच रूप से उल्टी कराई जाए शिव उल्टियां कराई जाए सबकी और उल्टियां कराई जाए सब गंदगी बाहर सब गंदगी बाहर कोई रोकेगा नहीं निकलने देना निकल रहा है अपने आप निकलने देना रोकने की कोशिश नहीं करना है एनर्जी निकल जाने देनी है गंदगी ओम सब स्मृतियां नष्ट की जाए और उल्टियां कराई जाए कस के ओम शिव है ये खड़ा करते हो तुम लोग उसका मूवमेंट ही नहीं होता है तो देख ही नहीं पाते उधर तक किनारे तक ये बेवकूफ है खड़ा हुआ जो कैमरे पे, हम देख ही नहीं पाते वहां तक ये गधा उसी एक जगह खड़ा एक जगह रखता है केवल एक ही जगह रखेगा बेवकूफ कहीं का इसको भगाओ यहां से निकाल के Okay. बैलेंस फंसी हुई गंदगी एक बार में कस के बाहर निकाल दी जाए ओम शिव सब बाहर गंदगी बची हुई ओम सब बाहर बैलेंस उल्टी रोक दी जाए बैलेंस अपना अपना घर देखें आप लोग सब लोग अपना अपना घर देख डालें अपना हो किराया का हो घर खेत मकान सब देख डालो तो गंदगी सब वहाँ की भी निकल जाए और प्रहार शुद्धि कर दी पूरा घर पवित्र किया जाए प्रकाशित कर दिया जाए बैलेंस त्रिपुर सुंदरी प्रहार सब गंदगी नष्ट की जाए मकान घर संपत्ति की सारी चल अचल संपत्ति और गंदगी सब नष्ट कर दिया लिंग भैरवी का प्रकरण समाप्त किया जाए ओम प्रहार प्रहार ना प्रहार इसके आखिरी अंश तक खींच के लाए जाए लिंग भैरवी के स्थान रखे जाए सब खींच के लाए जाए खींच जो महिलाओं बच्चियों में बुढ़ापा लाती है उनका यौवन खा गई और पुरुषों का वीर नाश करके जो ये ओझ खा गई सबका सब, सब खींच के लाए जाए सारे आखिरी अंश तक लाया जाए खींच के सब खींच लिए जाए तीन बोलते सब जाए लिंग भैर विलिंग भैर सब बांध प्रहार सब गंदगी बार बैलेंस गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु देव महेश गुरु, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरु, गुरु, गुरु बैलेंस शुद्धि पांच बार बोले ओम नमः शिवाय सब लोग उसका प्रभाव नष्ट कर दिया जाए उच्चाटन कर दिया जाए जो निकाले गए से। बैलेंस सदा के लिए उच्चाटन बैलेंस परिवार के निकल रहे कष्ट रोक दिए जाए जो स्थूल उल्टी करने का मन कर रहा है बाहर जाके निकल के करके आ सकते हो दो तीन लोग मन कर रहा है बाहर जाके उल्टी करके आ सकते हो बैलेंस दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें ऐसे दो बार और दोहराएं तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें तीन बार तालियां बजाएं, दोनों हथेलियां जांघों पर के तीन थपकी दें आपस में रगड़े हथेलियां नेत्रों पर रखें ऐसे तीन बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे सभी लोग प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने बंधन खींच लो सब लोग पांच बार ओम नम शिवा जो लोग काशी से आए हैं बारह लोग खड़े हो जाएं काशी से पदयात्रा करके साढ़े तीन सौ किलोमीटर की पदयात्रा अपने स्थान पे बारह लोग खड़े हो जाएं खुशी दरबार की ओर से आप लोगों को दरबार की ओर से वन डे का पुण्य प्रदान किया गया एक है एक दिवसीय हवन का पुण्य बाबा माँ की ओर से हरिद्वार से आए हैं जो लोग साढ़े छः सौ किलोमीटर की यात्रा करके आठ परिवार आठ लोग खड़े हो जाएं, आप सबको भी दरबार की ओर से एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य वनडे का पुण्य आप सभी को प्राप्त हुआ है मथुरा से भी वृंदावन से आए ग्यारह लोग पदयात्रा करके तीन सौ पचास किलोमीटर की पदयात्रा करके आए वो लोग ही खड़े हो जाए पैर सूझ गए <laughs> <laughs> और जबकि पैर पहले फ्रैक्चर था क्या था क्या कष्ट चप्पल गिर गई थी कर तो फ्रैक्चर था ठीक हाँ। 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 है बेटा आप 11 लोग आए मथुरा वृंदावन से आप सबको भी दरबार की ओर से एक दिवसीय अनुष्ठान का पुल आपके आपके परिवार को प्राप्त हुआ है बिहार से भी दो लोग आए करीब 800 किलोमीटर की पदयात्रा करके उनको भी दरबार की ओर से एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त हुआ है उज्जैन महाकाल से 700 किलोमीटर की पदयात्रा करके आए हैं राजस्थान से आए हैं साढ़े तीन सौ किलोमीटर की पदयात्रा कर पाँच सौ पचास किलोमीटर की साढ़े पाँच सौ किलोमीटर पदयात्रा करके और दिल्ली से भी आए हैं चार सौ साठ किलोमीटर की पदयात्रा करके आप सभी को एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य वनडे का पुण्य सभी प्राप्त हुआ है और एक प्रयागराज से भी आए हैं अभी उनको भी दरबार की ओर से एक दूसरी अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त हुआ खुश बैठो जो लोग कानपुर से फतेहपुर से आए हैं पदयात्रा करके इन लोगों को दरबार की ओर से नौहन का पुण्य आपको प्राप्त हुआ है और एक आरोग्य हवन का पुण्य भी आपको साथ में प्राप्त हुआ केवल संकल्प प्रार्थना करना है आपको हवन करना नहीं है आप लोगों को बैठे बिठाए यहीं पे आके जैसे पहुँचे हैं आपको ये पुण्य प्राप्त हुए तो आप सभी लोग अपना संकल्प करेंगे जो दरबार के संकल्प हैं जो कराए जाते हैं आज अभी संकल्प शुरू होंगे बाबा माँ की आरती के बाद शिव शक्ति दरबार में संकल्प शुरू होंगे तो आप सब लोग संकल्प करेंगे अपना और संकल्प करके अपने अपने परिवार को स्वस्थ करेंगे हाँ <laughs> ये पदयात्री है इनका उत्साह देखो कैसा अकेले अकेले चले आ रहे हैं अकेले चले बद्रीनाथ से अकेले चले चले आ रहे है। बद्री हैं बद्रीनाथ से हैं? काशी से सब चले आ रहे हैं काशी आशी से बहुत कठिन हाँ अभी नेपाल से भी चले आ रहे हैं सब है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की तो काशी चले आ रहे हैं सब वीडियो आ गया तो देश से देखो तुम लोग के साथ ही सब चले आ रहे हैं पदयात्रा करते हो पदयात्रा ऐसे ही तुम लोग आयो पद यात्रा करके ऐसे <laughs> ही सब <सबार> है <laughs> बहुत अद्भुत है इस धरती पर सब कुछ विद्यमान है लेकिन कहा गया है कि कि जिन ढूंढे तीन पाइया गहरे पानी बैठ अगर आप ठान लो तो फिर होता है और इस दरबार के प्रति जो अटूट श्रद्धा आस्था विश्वास है कि हम वहाँ पहुँचेंगे और हम स्वस्थ होंगे हमारा पूरा परिवार स्वस्थ होगा ये अद्भुत आपकी आस्था विश्वास और श्रद्धा है बहुत अद्भुत है। और यही आस्था विश्वास श्रद्धा आपको स्वस्थ करती और स्वस्थ किया है बाप को आप लोग इतने लोग बैठे हैं आप किसी कोई कष्ट हो रहा है शरीर में किसी को भी कोई कष्ट एक कष्ट गायब हो गए हैं ठीक है अब बची आस्था विश्वास और श्रद्धा है <laughs> ना? तो बाबा माँ से अभी जब संकल्प आपके होंगे अभी बाबा की आरती होने वाली सब लोग शामिल होंगे माँ की आरती में शामिल हो फिर अपने संकल्प करना और कल फिर हम आप लोगों से इतमिनान से वार्ता करेंगे ठीक है खूब खुश रहिए खूब खुश पसंद रहिए, मस्त रहिए बोलिए सदगुरुदेव भगवान की गुरु माता की भगवान भोलेनाथ की माता का की सभी संतों की गौ माता की बोलिए सच्चे दरबार की करोली शंकर महादेव की हर हर महादेव हरी